नमस्कार मित्रों, जो भी यूपीएससी और वनडे के जो भी स्पिरेंट्स हैं, जो 2019 में जो है यूपीएससी का अटेम्प्ट लेने जा रहे हैं, प्रीलिम्स बैठने जा रहे हैं, और जो भी मेंस लिख रहे हैं, और वनडे के जो भी एग्जाम्स वाले हैं जो इधर होने वाले हैं, और खास करके यूपी में जो है जो लोअर का एग्जाम होने वाला, लोअर पीसीएस का, उसके हिसाब से जो है जो अभी पहली क्लास जो आपकी थी, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, और भारत के नदी तंत्र का जो टॉपिक आपका स्टार्ट किया गया उसमें सिंधु का पहला टॉपिक स्टार्ट किया गया है, और ये 2019 के उन बच्चे जो एस्पिरेंट हैं 2019 में जो अटेम्प्ट लिया है, वो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक आपका यहाँ पर आज दूसरा क्लास है। और हम लोग जो देखते हैं आज, तो हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत बनने वाले दोआब के बारे में। यहाँ पर जो दोआब बनता है, दोआब मतलब यहाँ पे समझिएगा, दोआब मीन्स लैंड बिटवीन टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर्स हम लोग बात करते हैं, मतलब ऐसी भूमि जो कि दो नदियों के बीच में है। सामान्यतः ऐसी भूमियों को हम लोग भारत में मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मैदान कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दोआब इक्वल टू बिटवीन रिवर्स। जो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, जब सिंधु नदी तंत्र हम लोग पढ़ते हैं, तो वो दोआब कौन कौन से बनते हैं? दोआब नहीं है, वो वास्तव में क्या है? मैदान है। तो ये जो मैदान की हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में, वास्तव में यही मैदान आपका जाना जाता था पहले पंजाब के मैदान के नाम से। पंजाब प्लेन, लेकिन ये जो आपका पंजाब प्लेन के बारे में हम लोग बात करते हैं 1947 से पहले के बारे में बात करते हैं। बंटवारे के बाद जो पंजाब बना वो दूसरा था। तो ये जो बंटवारे से पहले हम लोग पंजाब के बारे में बात करते हैं, यही पंजाब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के ही दोआब में बना हुआ था। बंटवारे के बाद जो है, जो आपका यहां जो बंटवारा हुआ, बंटवारे के समय जो है इस मैदान का दो तिहाई हिस्सा पाकिस्तान वाले हिस्से में चला गया, और वर्तमान समय में जो इस पंजाब के मैदान का जो एक तिहाई हिस्सा है वो कहां पे आता है? भारत में आता है। यह ध्यान दीजिए, सिर्फ यही इतना हिस्सा ही ये भारत में आता है, बाकी दो तिहाई हिस्सा कहां चला गया? वो पंजाब में। ये मैदान जो है गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हम लोग भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि 1960 के दशक में आया भारत में, तो हम देखें तो ये पंजाब का मैदान इस हरित क्रांति से जो आपका ग्रीन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें सर्वाधिक फायदा इसी मैदान को मिला। बात करेंगे इसी पंजाब के मैदान के बारे में। हम जब पंजाब के मैदान की बात करते हैं, तो पंजाब जो पंजाब नाम पड़ा, वो नाम इस वजह से पड़ा, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, मतलब पांच नदियों की भूमि, पांच आब। वहां पर आपको पांच दोआब मिलेंगे, नदियां नहीं, दोआब, पांच आब। पांच आब जब बात करते हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच। तो यहां पर ये पांचों आब, मतलब पांचों दोआब मिलकर के पंजाब बनाते थे। अब यहां पर हम जब बात करेंगे, ये पांचों आब किन नदियों के बीच में है? ध्यान दीजिएगा, झेलम, चेनाव, राबी, ब्यास, सतलुज और सिंधु। ये पूरा हिस्सा भारत और पाकिस्तान सब जोड़ करके यही आपका पंजाब बनता था। पंजाब अक्सर ये जो है पढ़ाते वक्त जो है जो टीचर्स हैं वो गलती करते हैं, यहां पर कई जगह पर चीजें आपको गलत बताई गई हैं। हम जब बात करते हैं तो पांच नदियां कहते हैं, वहां पर वो पांच नदियां नहीं है, वो पांच आब है। आब क्या? पांच दोआब। ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा, हम लोग यही हिस्सा बात कर रहे हैं इसके बारे में, यही वाला आपका पंजाब। तो ये जो पंजाब है, हम 1947 के अकॉर्डिंग पहले बात करेंगे। 1947 के अकॉर्डिंग पहले बात करते हैं, जो आपका पहला दोआब बनता है वो झेलम और चेनाव नदियों के बीच बनता है, ये वाला हिस्सा। जो दूसरा दोआब आपका बना है चेनाव और राबी नदियों के बीच में, ये लाल रंग का हिस्सा आप देख रहे होंगे। जो तीसरा आपका दोआब बना राबी और ब्यास नदियों के बीच में, ये वाला ब्लैक रंग का हिस्सा आप देख रहे हैं, जो ब्लैक शेड है। यहां पर ब्यास और सतलुज जो आपकी नदियां हैं, यहां पे आइएगा, जो आपकी सतलुज नदी है, नीचे की नदी ये है आपकी सतलुज, इन दोनों नदियों के बीच में जो आपका दोआब बनता है ये वाला हिस्सा, और दूसरा जो है ये आपकी बनती है चेनाब और सिंधु नदी के बीच में। चेनाब और सिंधु, चेनाब हमने क्यों कहा? क्योंकि जब किशनगंगा झेलम से मिली तो नाम इसका हो गया झेलम। झेलम यहीं से पहुंच जाती है पाकिस्तान में, एक नाम हो जाता है नीलम, नीलम से मिलती है चेनाब, तो नीलम का अब नाम चेनाब हो जाता है। अब इसी चेनाब से जब राबी मिलेगी तो यहां पर राबी नाम नहीं होगा, चेनाब के ही नाम से बहती है। अब चेनाब से आगे पहुंचते
करते हैं तो जो ब्यास है वो सतलुज मिलती है और सतलुज आकर के मिलती है चेनाब से। अंत में हम एक ही चीज कह सकते हैं, जो रिवर है ये सभी नदियां चेनाब के ही नाम से आके सिंधु में मिलती हैं। तो पाकिस्तान में बनने वाला ये वाला दोआब ये चेनाब और सिंधु नदियों के बीच में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग दोआब के बारे में। ये जो दोआब है ध्यान दीजिएगा, यहां पर झेलम और चेनाब के बीच में जो दोआब मिलता है उसका नाम रखा गया है छाज। यहीं पर चेनाब और राबी के बीच में जो आपको दोआब मिलेगा उसका नाम रखा गया है रिचना। राबी और ब्यास के बीच में जो आपका दोआब मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं बारी, और ब्यास और सतलुज के बीच में जो आपको दोआब मिलता है उसको हम लोग कहते हैं बिस्त, और चेनाब और सिंधु के बीच में पाकिस्तान में जो दोआब मिलेगा उसे कहते हैं सिंधु सागर दोआब। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने बात किया छाज, रिचना, बारी, बिस्त, सिंधु सागर दोआब। ध्यान दीजिएगा यहां पर बजाय आप हिंदी के शब्द की ओर जाने पर, अगर आप हिंदी में जाते हैं यहां पर इन शब्दों का अगर आप हिंदी का अर्थ देखना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे जो हिंदी है आप हिंदी से जो है शब्दों को पकड़ना शायद मुश्किल होगा। छाज, रचना, बारी, बिस्त, सिंधु सागर दोआब। ध्यान दीजिएगा यहां पर हम जब बात करेंगे छाज के बारे में तो हिंदी के शब्द से आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब हम इंग्लिश के टर्मोलॉजी पर ध्यान दें, छाज सी एच ए जे, तो छाज का सी एच ए ये रिप्रेजेंट कर रहा है झेलम को, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है चेनाब को। यहां पर आएगा जो आपकी रिवर कौन सी है चेनाब को, और जो पीछे का झा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है झेलम को। यहां पर दूसरे पर आते हैं रचना को, रचना में हम लोग जब देखते हैं रचना आर ई, यहां पर आइएगा राबी और चेनाब, चेना ये किसको कर रहा है रिप्रेजेंट चेनाब को। दूसरे पर हम लोग बात करते हैं बारी के बारे में, बी ए आर आई बारी, बी ए ये रिप्रेजेंट करेगा बीस को, और री यहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा राबी को। आगे चलते हम लोग बात करेंगे बिस दोआब के बारे में, बिस दोआब में बी आई ये आपका रिप्रेजेंट करेगा बीस को, और एस टी ये रिप्रेजेंट करेगा आपके सतलुज को। तो हम लोग शब्दों पर इंग्लिश के शब्द पे ध्यान दें तो जो आपका छाज है वो चेनाब और झेलम के बीच में, रचना आपको मिलेगा राबी एंड चेनाब के बीच में, बारी आपको मिलेगा बीस और राबी के बीच में, बिस आपको मिलेगा बीस और सतलुज के बीच में। वहीं पर आते हैं तो सिंधु सागर दोआब जो कि पाकिस्तान में है ये आपको मिलेगा इंडस और चेनाब के बीच में, ये वाला हिस्सा। ये सिंधु सागर दोआब वही है जो कि पाकिस्तान में जैसे सिंधु प्रांत हम लोग सिंध प्रांत कहते हैं, जहां से आपके नवाज शरीफ और जो है इमरान खान जहां से इलेक्शन लड़ते हैं। आपने अक्सर सुना होगा सिंध प्रांत के बारे में। पाकिस्तान में आते हैं तो एक तरह जैसे भारत का जो है जो बात करते हैं उत्तर का बृहद मैदान, उत्तर के बृहद मैदान का ऑफ इंडिया का जो इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए है वही इंपॉर्टेंस सिंध प्रांत का पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं। तो जो आपका सिंध प्रांत है पाकिस्तान में उसे अन्नागार कहा जाता है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा जो है अन्न का उत्पादन होता है, मतलब ग्रेन का उत्पादन होता है, ठीक वैसे जैसे भारत में उत्तर के बृहद मैदान पे होता है। अब वर्तमान समय में हम लोग बात करें तो इसका जो है लगभग दो तिहाई हिस्सा, ये जो आपने जिसके बारे में दोआब के बारे में बात किया इसका लगभग दो तिहाई हिस्सा जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में जा चुका है, सिर्फ यही इतना हिस्सा जो कि भारत में मिलता है। तो हम जब बात करेंगे भारत में पंजाब का मैदान किसे कहते हैं, तो आपको जब पहुंचिएगा पंजाब के मैदान में यहां पर, तो यहां पर आइएगा जो पंजाब का मैदान है ये आपका आता है राबी, यहां पर आइएगा आपको मिलेगा ब्यास, ये आपको मिलता है सतलुज, यहां पर यहीं पर ही पंजाब में आप एक रिवर देखिएगा आपको मिलेगा घग्गर, और यहां पर हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर आपको एक रिवर मिलेगी यमुना। अब ध्यान दीजिएगा हम जब बात करते हैं पंजाब हरियाणा का मैदान, तो पंजाब और हरियाणा का मैदान जो भारत का पंजाब 1947 के बाद जो बना, मतलब हरित क्रांति के बाद जो बना, वो पंजाब पांच नदियों से बना हुआ है, जहां पर आपको चार दोआब मिलेंगे। चार दोआब की बात करते हैं हम लोग, राबी, ब्यास, घग्गर और यमुना। उस पंजाब और हरियाणा के मैदान की ये जो है आपकी नदियां पांच हैं, राबी, ब्यास, सतलुज, घग्गर और यमुना, ये आपके मिल रहे हैं।
अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जब बात करते हैं पंजाब में आने के बाद, तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा राबी, इसके नीचे मिलेगा ब्यास, ब्यास से मिल रही है सतलुज, और इसके नीचे आते हैं घग्गर, और ये वाला हिस्सा आपको मिलेगा यमुना का। अब ध्यान दीजिएगा, जो पंजाब का मैदान है यहां पर आइएगा तो एक दो तीन चार, आपको चार दोआब मिलते हैं यहां पर। अब ध्यान दीजिएगा, राबी और ब्यास के बीच में तो आपको मिलेगा दोआब, उसे हम लोग कहते हैं बारी। यहां पर ब्यास और सतलुज के बीच में जो आपको दोआब मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं बिस्त। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में आपको बारी मिलेगा, आपको मिलेगा बिस्त मिलेगा, और भी इसके नीचे आते हैं तो आपको मिलता है यहां पर मालवा दोआब, और यहां पर आते हैं तो आपको मिलता है भिवानी बांगर। तो जो पंजाब का मैदान है वो वर्तमान में इन पांच नदियों से मिलकर के बना हुआ है। जो पांच नदियां ये हैं आपकी राबी, ब्यास, सतलुज, घग्गर और यमुना। ये पांच नदियों से भारत का पंजाब बना है जो वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं, और इन्हीं पांच नदियों के बीच में आपको एक दोआब मिलेगा, बेस्ट मालवा भिवानी बांगर। तो यही हिस्सा हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग अभी इसके पहले बात कर रहे थे, हम लोग अब बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र पर स्थित जल विद्युत परियोजनाएं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जब भी हम लोग बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम पर, तो यहां पर जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो एक समझौता बार बार बीच में आता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता मतलब सिंधु नदी में जो भी पानी जाएगा वो यही नदियां ले जाएंगी। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट भारत इस पर बनाएगा तो हाय तवा पाकिस्तान मचाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नदी में जो है जब पानी की मात्रा कम होगी तो सिंधु नदी का जो प्रवाह है, वास्तविक प्रवाह, वो कम होगा। तो जैसे ही भारत इस पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है तो पाकिस्तान उस पर आपत्ति जरूर दिखाता है। अब जब भारत वो बात नहीं मानेगा तो ऐसी स्थिति में वो इन परियोजनाओं को लेकर के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग पहुंच जाता है। तो सिंधु नदी तंत्र पर जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं विवादित हो जाती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। पाकिस्तान स्वयं से भी प्रयास करता है कि इन परियोजनाओं को रोक दिया जाए, पाकिस्तान कहीं ना कहीं एक दुर्भावनावश भी मना करता है कि इन परियोजनाओं को रोक दिया जाए। साथ ही साथ वो सिंधु नदी में जल के प्रवाह को निरंतरता, जो आपकी निरंतरता प्रवाह है, उसको बनाए रखने के लिए भी इन परियोजनाओं को रोकने का प्रयास करता है। वो स्वयं से प्रयास करता है, किसी दूसरे देश से भी दबाव डलाने का प्रयास करता है, या वो फिर नहीं मानता जब भी भारत, तो ऐसी स्थिति में वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाता है। तो अब यहां पर जितने भी परियोजनाएं आपकी सिंधु नदी तंत्र पर बनती हैं वो सबकी सब विवादित होती हैं और आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसा कि आप पीसीए 2019 में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं और आपका लोअर पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तो रिवर्स पर प्रोजेक्ट भी कई बार पूछे जाते हैं जो कि विवादित आपके होते हैं। तो हम यहीं पर इसी कड़ी में सिंधु नदी, जो आपका टॉपिक क्लास वन का जो था, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास टू में हम देख रहे हैं इस नदी पर बनी हुई जल विद्युत परियोजनाएं। सिंधु नदी के बारे में हम लोग बात करें रिवर सिस्टम में, तो सहायक नदियां तो बहुत हैं, लेकिन जब बात करेंगे इस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किन किन नदियों पर बना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा जो आपके प्रोजेक्ट मेंशन हुए हैं सिंधु नदी पर, सुरु नदी, किशनगंगा, झेलम नदी, चिनाव नदी, राबी नदी, ब्यास, सतलुज, इन नदियों पर ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं। जब बात करेंगे भारत में सिंधु नदी पर कोई प्रोजेक्ट है तो इस नदी पर, सिंधु नदी पर कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया, मतलब सिंधु की सहायक नदियों पर प्रोजेक्ट मिलेगा लेकिन सिंधु नदी पर कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी इस नदी पर, भी मुख्य नदी पर, कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी नहीं है। तो ना ही भारत में ही नदी की मुख्य धारा पर कोई प्रोजेक्ट बनाया गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और ना ही भारत, ना ही पाकिस्तान में। अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पर, तो सिंधु की सहायक नदी जो कि आती है कराकोरम की ओर से, नाम सुरु है, सुरु नदी पर आपको दो परियोजनाएं मिलेंगी यहां पर, निम्मो बाजगो और चुटक परियोजना। यहां पर आते हैं जो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा निम्मो बाजगो परियोजना,
ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में आपको एक टेबल मिलता है, फ्लो चार्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। यहां पर आपको हम फ्लो चार्ट के थ्रू बताना चाह रहे हैं, एज यू विश, जैसे आपको पढ़ना है जिस तरीके से भी, आप चाहे फ्लो चार्ट से पढ़ सकते हैं, चाहे आप तो ये जो टेबलेशन का मेथड है आप इसके भी थ्रू आप रिवर और प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं निम्नवाचको परियोजना। अब बात करेंगे यहां पर निम्नवाचको परियोजना, रिवर कौन सी है, रिवर है आपकी सुरू नदी। और राज्य यहां पर जब बात करेंगे परियोजना, तो राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। ये आपको जो बुक का फॉर्मेट है आपको यही मिलेगा, निम्नवाचको सुरू रिवर, स्टेट आपका है जम्मू कश्मीर। इसी आपके सुरू नदी पर एक परियोजना आपको और मिलेगी, नाम इसका है चुटक, नाम इसका है चुटक परियोजना। चुटक परियोजना भी हम लोग आगे जब बात करेंगे यहां पर, तो जो आपका चुटक परियोजना है, रिवर कौन सी है, सुरू नदी, और स्टेट आपका है जम्मू कश्मीर। यहां पर दूसरे हम लोग आगे आते हैं, तो इसी की, बल्कि सिंधु में वो सीधे नहीं मिल रही है, बल्कि वो इनडायरेक्ट मिल रही है, इसकी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है उसकी ट्रिब्यूटरी है, सब ट्रिब्यूटरी कहा जाए तो, ये जो किशनगंगा नदी है, किशनगंगा नदी पर आते हैं तो जम्मू कश्मीर में आपको मिलता है किशनगंगा परियोजना। यह भी विवादित परियोजना रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और जो आपको रिवर मिलेगी वो रिवर भी आपकी है किशनगंगा रिवर। और जब स्टेट बात करते हैं तो स्टेट आपका कौन सा है, ये जम्मू कश्मीर। नीचे की ओर आइएगा, जो आपकी कश्मीर की घाटी है, इस कश्मीर की घाटी की जो प्रमुख नदी कौन सी है, झेलम नदी। और उसी कश्मीर की घाटी में आपको दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलेंगे झेलम नदी पर, एक मिलेगा आपको उरी और एक आपको मिलता है तुलबुल, एक आपको मिलेगा तुलबुल और एक आपको मिलता है उरी। जो तुलबुल और उरी है, ये दोनों परियोजनाएं आपको मिलेंगी झेलम नदी पर। और जो स्टेट आपका है, ये भी आपका है जम्मू कश्मीर। उरी के नाम से वैसे भी परिचित होंगे आपका, अभी हाल के दिनों में एक मूवी भी आई थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी आपका एक जगह है जम्मू कश्मीर में, और उसी जगह से आपकी झेलम नदी भी बहती है, और उसी उरी जगह पर ही आपका जो है एक प्रोजेक्ट बनाया गया है उरी परियोजना। नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो यहां हिमाचल प्रदेश की ओर से आने वाली नदी आपको मिलेगी चिनाब नदी, जो कि आपके हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान प्रवेश करती है। जब बात करते हैं हम लोग चिनाब नदी के ऊपर, तो चिनाब नदी पर बात करेंगे तो चिनाब पर कुल चार प्रोजेक्ट मिलते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रतले, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों प्रोजेक्ट आपको इंडिया में मिलते हैं, और स्टेट आपका है वो जम्मू कश्मीर है। यहां पर आइएगा, रतले, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती, ये सबके सब जो आपकी देख रहे हैं, ये सबके सब चिनाब पे ही हैं, और जो आपका स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर। तो कुछ इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। हम लोग आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर में ना, आपका यहां पर जब बात करेंगे रावी रिवर पर, तो अब जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे इसके ऊपर के, वो सबके सब जम्मू कश्मीर में थे। लेकिन जब इसके नीचे हम लोग बात करते हैं, ये जो आपकी रिवर है, कौन सी रिवर है, ये रावी नदी है। और रावी नदी पर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप जम्मू कश्मीर में नहीं, ये जो दोनों आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे उस पर, एक मिलेगा चमेरा और एक मिलेगा आपको थीन, एक मिलेगा आपको चमेरा प्रोजेक्ट और एक आपको मिलेगा थीन प्रोजेक्ट, चमेरा और थीन। लेकिन ये दोनों जब बात करेंगे, ये दो की दोनों नदियां जो है आपको मिलेंगी रावी नदी पर, और जो आपका स्टेट है वहां पर, ये आपका है हिमाचल प्रदेश। चमेरा और थीन, रिवर कौन सी है, रावी, और स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। इसी के नीचे आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड से निकलने वाली नदी ब्यास नदी पर एक आपका जो है यहां पर आपका बनाया गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नाम इसका है पोंग। इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का नाम है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना पर आते हैं यहां पर, और ये आपको जो राज्य, जो आपको नदी मिलेगी, ये है आपकी ब्यास, और राज्य आपका है हिमाचल प्रदेश। अब यहीं पर ही ब्यास नदी के बाद हम लोग बात करते हैं सतलुज नदी पर। सतलुज नदी निकलती है मानसरोवर, जो आपका कैलाश वाला एरिया है, मानसरोवर कह सकते हैं या तो राकस्ताल कह सकते हैं, दोनों हिस्से से। और यहीं पर ही आते हैं, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर आपको एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलेगा, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। और जब बात करेंगे किस नदी पर है, तो वो नदी आपकी है सतलुज, और राज्य आपका है हिमाचल
प्रदेश। अब सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश से एंट्री कर गई है पंजाब में, और पंजाब में आते हैं तो सतलुज नदी पर ही आपको मिलेगा भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सिर्फ परियोजना नहीं है, बहु उद्देश्यीय परियोजना है, मल्टी पर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। गंध जगह परियोजनाएं आपकी जब बात करते हैं रिवर पर, वो तीन तरीके की होती है। परियोजना कितने तरीके की होती है? तीन तरीके से। एक परियोजना आपकी होती है कि नदियों की मुख्य धारा पर एक आपका डैम बनाया जाता है और वहां से पानी को डाइवर्ट किया जाता है, बैराज, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं हरके बैराज, जहां से पानी को केवल उसकी मुख्य धारा से डाइवर्ट किया जाता है, एक फटकी लगाई जाती है और क्या कहता है उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है पानी को। तो ऐसी स्थिति में वह प्रोजेक्ट कैसा होता है? इरिगेशन प्रोजेक्ट कहलाता है, सिंचाई परियोजना। जो दूसरा होता है हम लोग बात करते हैं वो सिर्फ आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, पानी को ऊंचाई से डैम बनाकर के नीचे को गिराया जाता है, वहां पर टर्बाइन लगा दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में उससे ना ही सिंचाई हो रही है और ना ही और कोई काम हो रहा, सिर्फ जल विद्युत का ही उत्पादन हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की ओर बनाई जा रही है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाया जाए उससे जल विद्युत का भी उत्पादन हो, सिंचाई भी किया जाए, आपका जो है पीने के लिए पानी का भी सप्लाई किया जाए, मछली का भी पालन किया जाए, वहां पर बाढ़ का भी नियंत्रण किया जाए, तो ऐसी परियोजनाओं से जब एक ही परियोजना से कई उद्देश्य की पूर्ति हो तो उन्हें कहते हैं मल्टी पर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जो आपका भाखड़ा नांगल परियोजना है ये जो है एक तरीके से बहुउद्देशी परियोजना है, मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ध्यान दीजिएगा हम लोग आगे भी बात करेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में कि ये कैसा परियोजना है, बहुउद्देशी परियोजना। लेकिन इसकी ऊंचाई जब तक भारत में टिहरी बांध नहीं बना था, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाला ये आपका डैम था यहां पर भाखड़ा नांगल। वर्तमान समय में आते तो अभी इससे ऊंचे आपका हो गया है टिहरी डैम हो गया है। आपको यह परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपको मिलेगा पंजाब में। पंजाब में आते हैं तो भाखड़ा और नांगल ये दो के दोनों पंजाब के गांव हैं। भाखड़ा अलग गांव है और नांगल अलग गांव है, दोनों गांवों में बनाया गया है। भाखड़ा में आते तो भाखड़ा में आपको भाखड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलेगा और नांगल में आपको मिलेगा नांगल इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो आपकी जल विद्युत परियोजना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और इरिगेशन दोनों को एक ही जगह से कंट्रोल किया जाता है, कहां से? पंजाब से। तो इसीलिए भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप लोग पंजाब में। आगे पढ़ते हैं हम लोग ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर आते हैं पंजाब में ही, तो यहीं पर ही आपको मिलेगा हरके बैराज। हरके बैराज जो आपका पंजाब और हरियाणा का मैदान है, पंजाब में आइएगा, पंजाब में आपको एक जगह मिलेगी कपूरथला। कपूरथला से आप जो 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर जाएंगे तो आपको यही दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और यहीं से ही आपका जो है एक बैराज बनाया गया, पक्की मतलब वहां से आपका कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं है, यहीं से ही वो पानी डाइवर्ट करके इंदिरा गांधी नहर में छोड़ा जाता है। जब बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर के बारे में तो भारत में मानव के द्वारा निर्मित सबसे लंबी नहर है, बिगेस्ट कैनाल यहां पर बात करेगा, और बिगेस्ट कैनाल इस संदर्भ में बात करेंगे ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना और सबसे बड़ी हम लोग बात करेंगे तो पेयजल की परियोजना है जो कि राजस्थान के थार के मरुस्थल में जाती है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में बात करेंगे तो ये राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर तक जा रही है और इस नहर को अभी और आगे तक लेके जाने का भी विचार चल रहा है। यहीं पर जब बात करेंगे हरके बैराज तो ध्यान दीजिएगा हरके बैराज आप पढ़ते हैं तो आप भारत ही नहीं तो रामसर भूमि, वेटलैंड, आद्र भूमि, रामसर भूमियां, आद्र भूमि 1971 में ऐसी आद्र भूमियां गर्म क्षेत्रों में जहां पर अभी भी जो है जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक आपका संरक्षित क्षेत्र डिक्लेयर किया गया उसे ही कहा जाता है रामसर भूमि या आद्र भूमि। तो ये आपका हरके बैराज भारत की एक आद्र भूमि है जो कि अंतरराष्ट्रीय रामसर सूची में भी सम्मिलित इसको किया गया है। तो ये आप जो भी आप देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र पर स्थित जल विद्युत परियोजना है। ध्यान दीजिएगा यहां फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, सुरु नदी पर आते हैं तो चुटक और निमोबाज को दोनों मिलेंगे आपको जम्मू कश्मीर में। यहीं पर जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नदी पर किशन गंगा परियोजना। आगे पहुंचते हैं झेलम नदी के ऊपर, झेलम नदी पर आते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी में दो परियोजनाएं मिलेंगी, उरी परियोजना और त्रिबुल परियोजना। आगे पहुंचते हैं फिर से जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही, इस पर चार परियोजनाएं मिलेंगी जम्मू कश्मीर राज्य में, रतले, सलांग, बगलिहार और दुहस्ती। और आगे पहुंचते हैं यहां राबी नदी के बारे में बात करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से निकल रही है और पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल रही है। इस नदी पर भारत के हिमाचल प्रदेश में दो आपकी परियोजनाएं मिलेंगी, चमेरा परियोजना और
तीन परियोजना। और आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ब्यास नदी के बारे में, जो आपकी ब्यास नदी है हिमाचल प्रदेश में धौलाधर की श्रेणी पर ब्यास कुंड से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो आपको मिलेगी इस पर पोंग परियोजना। और आते हैं तो यहाँ पर आपके राकसताल या मानसरोवर से आपकी निकल रही है सतलुज नदी और सिपकिला दर्रा को पास करते हुए प्रवेश करती है भारत में, और पाकिस्तान किससे मिल रही है करके चिनाव नदी से। इस नदी पर आते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको एक परियोजना मिलेगी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है नाथपा झाकरी। और आगे पहुंचते हैं यहां पर सतलुज नदी पर ही पंजाब में आपको मिलेगा एक बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना। और आगे पहुंचते हैं यहीं पर ही पंजाब हरियाणा का जो मैदान आपका है, पंजाब जिसे मैदान भारत का जो पंजाब का है, यहां पर ब्यास और सतलुज नदियों के संगम पर हम लोग बात करेंगे तो आपको मिलेगा हरके बैराज, और इसी हरके बैराज से आपकी नहर निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंधु की सहायक नदियां, ये नदियां निकलती कहां से हैं और इनकी अन्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें हम लोग पहले क्रम पर हम लोग बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली सतलुज नदी के बारे में, क्योंकि एग्जाम्स आपके आ रहे हैं तो आपका ये नदी भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सतलुज नदी भी, वो चाहे लोअर का एग्जाम हो और चाहे 2019 के पीसीएस का एग्जाम हो यहां पर। तो हम लोग जब बात करते हैं भारत में ट्रांस हिमालयी रिवर आपकी जितने भी हैं ट्रांस हिमालयन रिवर्स के बारे में, तो ट्रांस हिमालयन रिवर्स में आइएगा तो एक तो अभी आपने पढ़ा इसके पहले ही सिंधु, जो दूसरी नदी आप देखते हैं जो ट्रांस हिमालयन एरिया से यहां से आती है ट्रांस हिमालय वाले एरिया से, वो आपकी है सतलुज। और जो तीसरी नदी आपकी है वो है ब्रह्मपुत्र, और जो चौथी नदी हम लोग बात करते हैं वो है आपकी कोसी। नेपाल में आते हैं तो इसी नदी को कहा जाता है अरुण। तो ये चार नदियां ऐसी हैं जो कि ट्रांस हिमालयन रिवर्स हैं, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, पूरी दुनिया के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में ऐसी नदियां जो कि हिमालय के उस पार से आती हैं। हम लोग बात करेंगे सतलुज नदी के बारे में। यहां पर आप मैप में देखिएगा तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए आपका इंडिया वाला हिस्सा है। अब यहां पर आते हैं जो ऊपर के आपको चारों रेंज दिखाई दे रहे हैं ये आपके ट्रांस हिमालयन रेंज है। ट्रांस हिमालय के चार हिस्से हैं यहां पर, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। सबसे उत्तर की जो आपकी पहाड़ी है वो आपकी कराकोरम है और सबसे दक्षिण की जो पहाड़ी है आपकी ट्रांस हिमालयन है। तो आपके ट्रांस हिमालय में भी आपके चार हिस्से आते हैं और उस ट्रांस हिमालय की आपकी कैलाश रेंज से आपकी नदी निकलती है सतलुज। इसके पहले हमने इसी वाले हिस्से से एक नदी और देखा था सिंधु नदी, जो कि लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से जा रही है और भारत में ही कुछ यू टर्न लेते हुए वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है मुजफ्फराबाद के बाद, ठीक। और यहीं पर ही आते हैं तो यहीं पर देखिएगा आपके इसी वाले महान हिमालय वाली श्रेणी से ही आपकी रिवर निकल रही है चिनाव, राबी, ब्यास। ये नदियां भी आकर के सब मिलती हैं और आपस में जाके पाकिस्तान कहां मिल रही है, सिंधु नदी। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके चीजों में, हम लोग आते हैं यहीं पर ही जब रेंज देखिएगा हिमालय के उत्तर से दक्षिण की ओर बात करेंगे हिमालय की श्रेणियों के बारे में उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यहां पर ट्रांस हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालयन रेंज, लेसर हिमालयन रेंज एंड शिवालिक हिमालयन रेंज, ये आपको चार श्रेणियां मिलती हैं यहां पर हिमालय की उत्तर से दक्षिण की, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज रेंजेस आर हिमालयन रेंज, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। अब हम लोग इसी चीज को हम लोग यहां पर देखते हैं, हिमालय की चार श्रेणियां हैं। हम लोग कहां से आते हैं, इस वाले कॉर्नर से हम लोग इधर की ओर आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा हमने फ्लो चार्ट भी कुछ वैसा ही बनाया है जहां से आपको चीजों को पकड़ने में थोड़ा आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा सबसे उत्तर में आपको मिलेगा ट्रांस हिमालयन रेंज, उसके बाद आते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज ये वाला हिस्सा, फिर उसके बाद आते हैं लेसर हिमालयन रेंज ये वाला हिस्सा, फिर उसके बाद आते हैं शिवालिक हिमालयन रेंज। अब पूरे फ्लो चार्ट को हम लोग यहां पर डायलूट करते हैं इधर वाले हिस्से पे। ध्यान दीजिएगा हम लोग ट्रांस हिमालयन के जिस हिस्से के बारे में बात कर रहे थे यहां पर आपका, ये आपकी कैलाश रेंज है। तो ट्रांस हिमालय का कैलाश क्षेत्र आपका कैलाश की पहाड़ी जो कि तिब्बत चीन में है,
यहां पर आते हैं तो आपको दो झीलें मिलती हैं, राकस झील और मानसरोवर झील। ध्यान दीजिएगा, मानसरोवर से आपकी सिंधु नदी निकल रही है और राकस से आपकी निकल रही है सतलुज नदी, जो कि तिब्बत चीन वाले क्षेत्र में है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर राकस झील से जब आपके ट्रांस हिमालय के कैलाश वाली पहाड़ी पर जो आपकी राकस झील है, जो आपकी नदी निकलती है, वो निकलती है लांग चेन खबाब के नाम से। लांग चेन खबाब मतलब तिब्बत में इसी सतलुज नदी को कहा जाता है लांग चेन खबाब, जिसका मतलब ही होता है बाघ का मुख। मतलब सतलुज नदी का उद्गम स्रोत है उसको बाघ का मुख कहा जाता है, लांग चेन खबाब। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आते हैं तो सिपकीला दर्रा मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और जो कि आपकी जो श्रेणी है वो है आपकी महान हिमालय की और जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के बारे में बात करें, जास्कर रेंज पर ही आपको एक दर्रा मिलेगा सिपकीला दर्रा। ये सतलुज नदी इसी सिपकीले दर्रे से भारत में सबसे पहले प्रवेश करती है, और प्रवेश करते ही हिमाचल प्रदेश में एक नदी आके मिलेगी स्पीति नदी। मैप में भी देखते रहेगा, जिन लोगों के पास ऑक्सफोर्ड का मैप होगा रखे होंगे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एक्लर्स, तो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, हिमाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर आइएगा तो ग्रेट हिमालय वाली रेंज से ही एक नदी निकल रही स्पीति नदी। स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश में आके मिलती है सतलुज नदी से, और जो कि आपका जो जिला है हिमाचल प्रदेश का वो है लाहौल। तो कहा जाता है लाहौल स्पीति घाटी कहां है, ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है पहले क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में, तो ये हम लोग सीधे कह सकते हैं स्पीति नदी की घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में है, वहीं पर ही आपको लाहौल स्पीति घाटी मिलती है। स्पीति नदी सतलुज की सहायक है, और आगे बढ़ते हैं तो सतलुज नदी की मुख्य घाटी में ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही आइएगा, और आपके लेसर हिमालय और ग्रेटर हिमालय श्रेणियों के बीच में, या तो कहिए जास्कर श्रेणी और धौलाधर श्रेणियों के बीच में हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी की घाटी में आपको एक घाटी और मिलेगी कल्पा घाटी। ये भी आपके एग्जाम में मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए पूछा गया है पीसीएस एग्जाम में। और आगे बढ़ते हैं, यहीं पर ही लेसर हिमालय जो धौलाधर आपका है जनाता हिमाचल प्रदेश में, नदी काटते हुए नीचे की ओर आ रही है साउथ की ओर। नदी कहां आ रही है, दक्षिण की ओर नीचे की ओर आ रही है, और यहीं पर ही डैम बना दिया गया है भाखड़ा डैम। ध्यान दीजिएगा, जो भाखड़ा डैम है वो आपको मिलेगा धौलाधर रेंज के ऊपर। जब भाखड़ा डैम के बारे में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो इस नदी पर जो है आपकी टर्बाइन्स लगाई गई हैं जल विद्युत के उत्पादन के लिए, तो भाखड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है आपका सतलुज नदी के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं तो यहीं पर ही जो आपका नीचे की सबसे साउथ की रेंज है आपकी हिमालय की शिवालिक रेंज, जिसे हम लोग किराना रेंज कहते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, इसी श्रेणी पर ही आपको एक डैम और बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं नांगल डैम। नांगल डैम के बनाने के बाद जो पीछे की ओर जो पानी रुका, ये पानी आपका रुकता है हिमाचल प्रदेश में, और इस पहाड़ी के साउथ में आइएगा तो ये हिस्सा कहां का है, पंजाब का है। जो पीछे की ओर पानी रुका तो इसे हम लोग कहते हैं गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर रिजर्वायर। जब बात करेंगे आर्टिफिशियल, बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक, मतलब भारत में मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब कृत्रिम झील बात करेंगे, आर्टिफिशियल जिसको इंसानों ने बनाया, नेचर ने, वो कौन सी है, गोविंद सागर जलाशय, वो आपको मिलेगा नांगल डैम के ऊपर। यहां पर जो आपका नांगल डैम है ये आपको मिलेगा पंजाब में, और यहीं पर यहां पर आपकी टर्बाइन नहीं लगाई गई है, यहां पर पानी को केवल डाइवर्ट किया था कहां पर, पंजाब और हरियाणा के मैदानों में, और यहीं पर ही नहरें निकालकर सिंचाई का काम किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यही नदी सतलुज नदी जब नीचे की ओर आती है इसके बाद, तो यहीं पहुंचेगा हरके बैराज, और आपको कपूरथला से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेगा हरके बैराज, जहां पर इसी आपकी धौलाधर श्रेणी से एक नदी और निकल रही है, नाम इसका है ब्यास नदी। ब्यास नदी भी पंजाब हरियाणा के मैदान में ही हरके बैराज के पास एक दूसरे के दोनों के संगम होते हैं, और यहीं के संगम से ही एक आपका डायवर्जन लगाया गया है इंदिरा गांधी नहर के लिए, जहां से को डायवर्ट किया था, छोड़ा जाता है इंदिरा गांधी नहर में। आगे पहुंचने के बाद पाकिस्तान और भारत दोनों के बॉर्डर पर आइएगा तो आपको जगह मिलेगा भारत में फिरोजपुर, बॉर्डर एरिया पर फिरोजपुर एक जगह है पाकिस्तान, जो आपका पाकिस्तान और पंजाब दोनों के बॉर्डर पर पंजाब का जगह है, वहीं से यह नदी इंटी कर जाती है पाकिस्तान में। ध्यान दीजिएगा, आप यहां से फिर से हम लोग बात करेंगे, जो सतलुज नदी है वो तीन के बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान से बहते अंत में कहां जा गिरती है,
अरब सागर में। अंत में जो है हम लोग बात करेंगे, तिब्बत में आते हैं तो नदी को कहते हैं लांगचेन खब्बाब, भारत में आते हैं तो यही नदी सतलुज के नाम से बहती है, और पाकिस्तान में जब ये मिलती है चिनाव नदी से तो इसका नाम चिनाव हो जाता है। मतलब तीनों देशों में इस सतलुज नदी के तीन नाम है, लांगचेन खब्बाब तिब्बत में, इंडिया में आएगा तो सतलुज नदी, और पाकिस्तान में जाइएगा तो इसे कहते हैं चिनाव नदी। अब फिर से हम लोग बात करते हैं एक बार चिनाव इसकी सतलुज नदी के बारे में। चीन के तिब्बत में ट्रांस हिमालय के कैलाश श्रेणी पर स्थित राकस झील से लांगचेन खब्बाब नदी के नाम से नदी निकलती है, और भारत के सिपकिलादर्रा जो कि महान हिमालय की श्रेणी पर स्थित है भारत में सर्वप्रथम प्रवेश है। आगे पहुंचने के बाद यहीं पर हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी आकर के मिलती है इसके लेफ्ट हैंड की साइड से, और यहीं पर ही आपको इसी नदी घाटे मिलेगा लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में, और आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश में ही यहीं पर ही आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में ही, और आगे बढ़ते हैं नदी ने अब धौलाधर को काटते हुए यहीं पर ही आगे बढ़ती है साउथ की ओर, तो धौलाधर श्रेणी पर ही आपका डैम बनाया गया है भाखड़ा डैम। नीचे की ओर पहुंचेंगे तो भाखड़ा डैम और शिवालिक श्रेणी दोनों के बीच में यहां पर आएगा, इन दोनों श्रेणियों के बीच में आपको मिलेगा गोविंद सागर जलाशय। ध्यान दीजिएगा ये आपके धौलाधर श्रेणी है, आपकी किराना श्रेणी, दोनों श्रेणियों के बीच में आपको रिजर्वायर मिलेगा। ये जो आप पढ़ रहे हैं गोविंद सागर जलाशय, ये भारत का सबसे बड़ी जो है हम बात करें सबसे बड़ी कृत्रिम झील है अकॉर्डिंग टू एरिया। अब यहीं से आगे बढ़ते हैं हम लोग नांगल डैम मिलेगा जो कि एक सिंचाई परियोजना है, और आगे बढ़ते हैं यहीं पर ही पंजाब में आपको जगह मिलेगा नवान शहर। नवान शहर में आइएगा तो ये कुछ साल पहले तक नवान शहर में आपका जो है ये सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र था सार्वजनिक क्षेत्र का, भारत सरकार के द्वारा लगाया गया, अभी तो इससे बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट लगा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और तो जहां पर ब्यास और सतलुज दोनों का संगम हो रहा है बीच में आपको हिस्सा मिलेगा कपूरथला, यहीं पर आएगा तो रेलवे की कोच फैक्ट्री आपको मिलेगी, और आगे बढ़ते यहीं पर ही दो नदियां जहां पर संगम कर रही है आपका हरके बैराज है, और फिरोजपुर के बाद यह नदी कहां प्रवेश कर रही है सतलुज नदी, फिरोजपुर के बाद कहां प्रवेश कर रही है पाकिस्तान में। ध्यान दीजिएगा ये नदी आपकी ऊपर से नीचे की ओर उतर रही है, तो एक प्रश्न आपके जो इंटरव्यू में पूछा गया है इसके पहले आपके यूपीएससी में पूछा गया और आपके यूपीएससी में पूछा गया है कि सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध किस प्रकार के बांध का उदाहरण है, सतलुज नदी पर बनाया गया भाखड़ा नांगल बांध किस प्रकार के बांध का उदाहरण है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं जो डैम बनाए जाते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा हम लोग जब डैम के बारे में बात करेंगे तो जो आपका सतलुज नदी पर जो डैम बनाया गया है ये जो डैम है ये आपका डैम गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है, ग्रेविटी डैम, गुरुत्वीय बांध, इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम के बारे में हम लोग जानेंगे यहां पर, ग्रेविटी डैम कहते किसे हैं इन शॉर्ट में। ध्यान दीजिएगा जब पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो और जो रिवर है वो तेजी से नीचे की ओर आए, ये आपका हिमालय की पहाड़ियां और ये सतलुज नदी नीचे की ओर आ रही है, यहां पर आपको रिवर कौन सी मिलेगी सतलुज। अब ऐसी स्थिति में हमको इस नदी पर आपको डैम बनाना है तो हमने डैम तो बनाया यहां पर और एक दीवार हमने खड़ी कर दी। अब जैसे ही हमने यहां पर डैम बनाया तो ये जो पानी है पीछे की ओर रुकेगा, अब पीछे की ओर जब पानी रुकेगा तो ये इस वाले डैम को आगे की ओर धक्का देगा, क्यों, इसलिए क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बजाय यहां पर होने के वो आगे की ओर शिफ्ट हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होगी उसी डायरेक्शन में आपका डैम भी झुक जाएगा। अक्सर आप लोग बात करते हैं आप चलते चलते आप गिरते हैं तो जिस डायरेक्शन में आप गिरते हैं मतलब आपका जो है जो ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में आपकी शिफ्ट होती है, तो जो डैम आपका है जिस डायरेक्शन में आपका शिफ्ट हो रहा है यहां पर लगने वाला जो आपका फोर्स है पीछे की ओर से जो ग्रेविटी फोर्स है वो आगे की ओर शिफ्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में यह दीवार रुकना मुश्किल है। तो इंजीनियर्स ने क्या किया यहां पर जो आपका डैम का बेस है इसको नीचे की ओर चौड़ा कर दिया उन्होंने कुछ इस तरीके से। जब नीचे के बेस को उन्होंने चौड़ा कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की ओर शिफ्ट होने के बावजूद भी अब डैम अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, ऐसी स्थिति में जो यहां पर पानी आपका फ्लो होगा अब वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अब नीचे का बेस आपका चौड़ा हो गया तो हम ऊपर वाले हिस्से को हम कितना भी ऊपर बढ़ा ही सकते हैं क्योंकि अब आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आगे शिफ्ट हो रही है हमने उसके लिए क्या कर दिया उसके बेस को नीचे की ओर चौड़ा कर दिया। इस आधार पर जब आपका भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया उस समय वो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध बना, क्यों, क्योंकि नीचे का बेस इसका क्या था बहुत ज्यादा चौड़ा था। अब
स्थिति में यहाँ पर जो है ऊपर से पानी नीचे की ओर आ रहा है, इस टाइप का जो आपका डैम बनता है, इस टाइप के डैम को कहा जाता है ग्रेविटी डैम। ध्यान दीजिएगा, आप धूम मूवी देखते हैं, धूम मूवी के जो धूम पार्ट थ्री है आपका, धूम पार्ट थ्री में आपने अक्सर देखा है जो लास्ट वाला सेक्शन आपका होता है जहां से आमिर खान नीचे की ओर कूदते हैं डैम से, एक ऊंचाई वाले हिस्से से नीचे की ओर कूदते हैं, वो जो शूटिंग आपकी की गई है वो वाला यही हिस्सा है जहां से आपके आमिर खान कूदे हुए हैं। तो अक्सर जो आपकी मूवियां भी बनाई गई अधिकतर मैक्सिमम हाइट से वो जो आपके जंप किए हुए हैं वो आपका यही वाला डैम था, भाखड़ा नांगल डैम, जो कि कैसा एग्जांपल है आपका ग्रेविटी डैम। यहीं पर हम लोग एक बात और करेंगे, आर्क डैम। हम लोग जब आर्क डैम के बारे में बात करते हैं, यहां पर ये आपका ग्रेविटी डैम है, एक डैम हम लोग बात करते हैं यहां पर आर्क डैम के बारे में। जब आर्क डैम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो ऐसा हिस्सा जब पहाड़ियों के बीच के हिस्से में दोनों में गैप ज्यादा हो, ध्यान दीजिएगा इन दोनों पहाड़ियों के बीच में गैप ज्यादा है, ऐसी स्थिति में जो आपकी रिवर यहां पर फ्लो हो रही है इन दोनों पहाड़ियों के बीच से हो रही है, लेकिन हमको इस रिवर पर आपको डैम बनाना है, तो अब ऐसी स्थिति में हमने यहां पर एक दीवार बना दी पतली सी। अब दीवार जब हमने बनाई यहां पर तो पीछे की ओर पानी यहां पर रुकेगा कुछ ऐसा, ये पीछे की ओर पानी रुकेगा तो जो इसका फोर्स है मतलब वो कहां लगेगा, सेंटर पे लगेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बीच में आएगी तो ऐसी स्थिति में क्या ये दीवार स्थिर होगी, नहीं होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब दीवार स्थिर नहीं होगी दीवार क्या होगी, टूट जाएगी। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, बजाय इसको एक स्ट्रेट दीवार बनाने के कुछ ऐसे इसको हिस्से को गोल गोल घुमा दिया एक आर्क के आकार का बना दिया। अब ऐसी स्थिति में जो इसका फोर्स सेंटर पर आ रहा था अब इसका फोर्स कहां जाएगा, इसके साइड्स की ओर चला जाता है। एक आर्क का आकार बनाने पर जो इसके पीछे का रिजर्वायर का जो आपका फोर्स है प्रेशर है वो बजाय सेंटर पे आने कहां चला गया, वो किनारों की ओर डाइवर्ट हो गया। अब किनारों की ओर डाइवर्ट होने पर ऐसी स्थिति में ये आपका डैम कैसा हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, और इस स्थिति में हम लोग जब बात करें तो डैम की लंबाई भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में आपने एग्जाम जो आप पढ़ते हैं वनडे में और सिविल सर्विस में दुनिया का सबसे लंबा बांध, तो हम लोग एक नाम सुनते हैं हीराकुंड, जो कि आपको उड़ीसा में मिलेगा महानदी के ऊपर, हीराकुंड बांध एक लंबाई मतलब जो कि दुनिया का सबसे लंबा बांध है। क्यों हुआ, क्योंकि बजाय वो सीधा बनाने कैसा बनाया गया, वो किस प्रकार के डैम का उदाहरण है, वो उदाहरण है आपके आर्क डैम का। और आपने अक्सर मूवी भी देखा होगा सिंह इज बिलिंग में आइएगा तो जो अक्षय कुमार की मूवी है जिसके ऊपर गाने की शूटिंग हुई है, जो डैम चलाते हैं जिसके ऊपर बाइक चलाते हैं वो आपका कौन डैम है, यही हीराकुंड डैम है। तो आप जो डैम आप पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और आपके जो है इंटरव्यू में पूछा गया है ग्रेविटी डैम और आर्क डैम के बारे में, तो यहां पर आपने देखा। जैसा कि अब हम लोग देखते हैं यहीं पर ही सतलुज नदी के बारे में, तो सतलुज नदी आपने देखा, हम लोग जो नेक्स्ट रिवर देखेंगे यहीं पर ही हम लोग बात करेंगे झेलम नदी के बारे में, जो कि सिंधु की एक दूसरी प्रमुख सहायक नदी है।